शब्दों के धरातल पर चलती रहूंगी, दिलों से यूं ही दिल से मिलती रहूंगी, जो भी कहूंगी सच ही कहूंगी, सच के सिवा मैं कुछ ना कहूंगी। नमस्कार, मैं हूं मीना भटनागर, एक बार फिर अपने कुछ अनुभव लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। अक्सर लोग कहते हैं कि ज़िंदगी क्या है, लोग कहते हैं कि वो हमसे आगे निकल गया, हम उससे पीछे रह गए, लेकिन मैं अपना जो अनुभव है वो आपके समक्ष रखती हूँ चार पंक्तियों में। जिंदगी के खेल सा खेल नहीं है, खेलने को साथियों का मेल नहीं है, पल पल में बदले साथी बदली हैं पारियां, इस खेल में ना पास कोई फेल नहीं है। जिंदगी के खेल सा खेल नहीं है। और मैंने जो अनुभव किया इस पूरे संसार में, वो मैं अपनी कुछ रचना के माध्यम से आपके समक्ष रखती हूँ। मैंने देखा है ईमान को अशकों में पिघलते हुए, मैंने देखा है ईमान को अशकों में पिघलते हुए, देखी है वानियत इस जहां इंसान में उतरते हुए, किसको अपना कहूँ ना कहूँ, सारे अनजान बेजान से, किसको अपना कहूँ ना कहूँ, सारे अनजान बेजान से, मैंने देखा दुआओं में भी बद्दुआओं को पढ़ते हुए, मैंने देखा दुआओं में भी बद्दुआओं को पढ़ते हुए। कोई भी व्यक्ति आपका साथ छोड़ जाए, पर गम दुख ऐसे हैं जो हमेशा आपका साथ निभाते हैं। आगे की पंक्तियां उसी के लिए समर्पित करती हूं। तेरे गम तेरे अपने तो हैं, आंसू पीले दवा जान कर, तेरे गम तेरे अपने तो हैं, आंसू पीले दवा जान कर, गम के दरिया में देखे बहुत, डूब कर फिर उबरते हुए, गम के दरिया में देखे बहुत, डूब कर फिर उबरते हुए, देखा ईमान को इस जहां अशकों में पिघलते हुए। और इस वीडियो की अंतिम पंक्तियां समर्पित करती हूँ। वो सुनेगा सुनता ही है, कर यकीन पूरा मुझ पे ये तू, वो सुनेगा सुनता ही है, कर यकीन मेरा पूरा ही तू, मैंने देखा है रब को यहाँ अपना आंचल पकड़ते हुए, मैंने देखा है रब को यहाँ अपना आंचल पकड़ते हुए, देखा ईमान को इस जहां अशकों में पिघलते हुए। और ये था मेरी आज की रचना का कुछ अंश। और अंत में बस यही कहना चाहूँगी कि अपने माता पिता का सम्मान ज़रूर करें, और इसके साथ ही अपने चरित्र का भी ध्यान ज़रूर रखें।
नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।